नमस्कार दोस्तों, जीआरएस टेक्निकल में आपका स्वागत है। लेकर मैं आ गया हूँ सीबीएसई क्लास 10th बोर्ड का सोशल साइंस का ये पेपर है। इसमें प्रश्न और इसके साथ ही साथ सॉल्व आंसर की भी आपको मिलेंगे। तो दोस्तों, क्वेश्चन विथ आंसर ये पूरा सेट है, ये 2018 का पूरा प्रश्न पत्र है। इसका रिवीजन आप करके अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। टोटल टाइम 3 आवर का ये एग्ज़ाम होता है और 80 मार्क्स आते हैं इसमें। जो अच्छे से बनाते हैं उनको 80 आउट ऑफ 80 भी आता है। आगे देखा जाए प्रश्न, धीरे धीरे मैं आपको आगे बढ़ाता जाऊंगा। आपसे आशा करता हूं कि सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। चलिए देखा जाए प्रश्न संख्या 1। ईस्ट इंडिया कंपनी ने गुमास्तों की नियुक्ति क्यों की? और इसी में अथवा में है कि 1960 के दौरान, मतलब कि वाई डिड मोस्ट डेवलपिंग कंट्री ऑर्गेनाइज देम सेल्फ इन टू द ग्रुप ऑफ 77 ड्यूरिंग 1960s। इन सारे प्रश्नों का आंसर वीडियो, जब ये प्रश्न खत्म हो जाएंगे 30 प्रश्न, उसके बाद सारे 1-2 करके 1-30 तक आपको आंसर दिखाई देने लगेंगे। तो चलिए धीरे धीरे मैं वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ। आपको तो सिर्फ काम है आंसर से, तो आंसर आप जल्द देखने के लिए तैयार हो जाएं। डिफरेंस बिटवीन कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम एंड मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट इन श्रीलंका, 4 नंबर था, ये 5 नंबर है। 6, 7, 8 में है। फर्स्ट वर्ल्ड वार के बारे में लिखना है या डिस्क्राइब करना है रोल ऑफ जॉबर्स। नेक्स्ट आगे बढ़ाता हूँ, आंसर आप अच्छे से देखिएगा। ये 9 नंबर है, प्रेमचंद नोबल्स आर फील काइंड पावरफुल कैरेक्टर फ्रॉम लेवल ऑफ सोसाइटी। ये सारा इम्पॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, तो आप रिवीजन करना ना भूलिएगा। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा रहा हूँ क्योंकि प्रश्न तो इम्पॉर्टेंट है ही, मेन इम्पॉर्टेंट है इसका आंसर। तो आंसर बहुत जल्द आ रहा है, बस इंतज़ार आपका ख़त्म ही होने वाला है। यहाँ तक हम लोग पहुँच गए हैं 17, 18, 19, ये रहा 20 नंबर, सत्याग्रह 1919 जो रॉल्स एक्ट हुआ था, कहाँ हुआ था, अमृतसर में, तो उसके बारे में, साल्ट मार्च के बारे में लिखना है। सबका आंसर है, बस सब थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें, तब तक सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दें और प्रश्न भी देखते चले। GDP इकोनॉमिक से ये क्वेश्चन है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट 22 नंबर था। 23, 24, 25, फॉर्जिन ट्रेंड के बारे में लिखना है, ये रहा 26। वीडियो को पाउज करके आप अच्छे से क्वेश्चन भी पढ़ सकते हैं। मैं धीरे धीरे इसलिए बढ़ा रहा हूँ ताकि जल्दी जल्दी बढ़ाऊँगा तो क्या फ़ायदा, जब आप ही लोग नहीं पढ़िएगा तो इस वीडियो का लाभ कौन उठाएगा, इसीलिए मैं धीरे धीरे बढ़ा रहा हूँ। और कोई भी कठिनाई हो, किसी भी प्रश्न में कोई भी कन्फ्यूजन हो, तुरंत कमेंट में आंसर पूछें। चलिए आ गया 26 नंबर, ये रहा 26, 30 नहीं, ये 26 तक ही है। ये मानचित्र है, ऑन आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया पॉलिटिकल, 30 भी आता है कभी कभी, तो इसमें बस इतना ही है। और आगे आंसर देखा जाए, आगे आंसर सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन जुलाई 2018, ये कंपार्टमेंट जो होता है उसमें ये आया था। आइए देखते हैं, उससे रिलेटेड नहीं है ये, आप जो मेन आंसर देखिए अच्छे से देख लीजिए, इसको पाउज करके पढ़ लीजिए। 2 नंबर, फिर 3 नंबर पे रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, ये आते रहता है हमेशा। बेल्जियम एंड श्रीलंका डिस्टिंग्विश बिटवीन, अच्छे से पढ़ लीजिए पाउज करके, क्योंकि मैं बोलूँगा तो कम से कम 3 घंटा का पेपर है, तो 1.5 घंटा लग जाएगा बोलने में ही, तो आपका समय बर्बाद ना करूँगा, बहुत कीमती समय है दोस्तों। 8 नंबर तक आ गए हम लोग, एकदम धीरे धीरे। सबसे अच्छा स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, धड़ाधड़ याद कर लीजिएगा एकदम। 9 नंबर, प्रेमचंद, ये जो है वो जुलाई में हुआ था एग्ज़ाम, और इसी के साथ मैं पूरा सेट आपको दूंगा। सब एग्ज़ाम एक ही होता है, डेवलपमेंट ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग, मैं दोनों मेन्स एग्ज़ाम या फिर ये जो एग्ज़ाम होता है उसके बाद वो दोनों मैं आप लोगों के लिए लाऊंगा, जस्ट इसके बाद वाले वीडियो में तुरंत बना रहा हूँ, ये वाला ख़त्म तो हो जल्दी से। बस 13 तक पहुँच गए हम लोग, 26 तक पहुँचना है ना। ये रहा 16 नंबर,
अच्छे से पढ़ लें। 17, ये रहा 18, फिर 19, 19 में बहुत ज़्यादा है। पॉइंट आप 5 से 6 से ज़्यादा मत लिखिएगा, उससे कोई फ़ायदा नहीं होता। 5 6 एनी 5 पॉइंट टू बी डिस्क्राइब, ज़्यादा लिखने का ज़रूरत नहीं है। ये देखिए 5 ही लिखा जाए, 5 याद कर लीजिए बस हो गया। गांधी जी डिसाइडेड टू लॉन्च ए नेशन वाइड सत्याग्रह, ये अपोजिट फॉलो वे, ये सब पढ़ लीजिएगा। साल्ट मार्च, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा हाईलाइट कर दूँ। 31 जनवरी 1930 को साल्ट मार्च शुरू हुआ था, आप सभी को जैसा पता है। चलिए आते हैं, स्टील इंडस्ट्री इन छोटा नागपुर झारखंड में, इसमें भी 5 ही लिखिएगा, ज़्यादा नहीं लिखना है, ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं है। ये क्या है, जूट मिल इन हुगली, तो ये सब लिख दीजिएगा। 22 तक पहुंच गए हैं, जीडीपी का पूरा इन्फॉर्मेशन है। इम्पोर्टेंट रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में जान लीजिए, ये रहा 24 नंबर, ये 25। जो जो आपको अच्छा पॉइंट लगे वहीं याद करिएगा, ये रहा 26। तो बस आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे हंसते मुस्कुराते हुए। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ये देखिए मैप दिखा देता हूँ, बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। मैप एक बार और रिवीजन कर लें, ये इम्पोर्टेंट होता है।